अस्सलामुअलैकुम। तो आज जा रही हूँ मैं करेले की कलौंजी बनाने के लिए। तो जिसको हम पहले करेले को इस तरह से बीच में से कट कर लेंगे और इसके अंदर की बीज निकाल लेंगे। करेले के अंदर का बीज निकाल लेते हैं ना, तो हम पानी में थोड़ा देर इसमें हल्दी और नमक डाल के भिगा के रख देते हैं ताकि इसका जो कड़वापन है वो निकल जाए। उसके बाद हमने इसको कुकर में थोड़े से पानी के साथ नमक डालकर एक सीटी, बस ज़्यादा नहीं, बस एक सीटी, ताकि ये गल जाए। देखें आप, इसके अंदर की सारी बीज निकाल ली है हमने। तो ये इस तरह से सारे इसी तरह से हैं, सिर्फ बीच में से कट हैं और कहीं से भी नहीं। देखें, इसके अंदर जाएंगे कांदे, मतलब ये कलौंजी की क्वांटिटी 1 किलो से ज़्यादा करेला है ये, मतलब 1.5 किलो तक के करेला होगा। और उसके अंदर मसाले भरकर हम बनाते हैं, उसी को कलौंजी कहते हैं। तो ये इतना कांदा इसके अंदर जाएगा और मसाले हैं, मसाले मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं कांदा तेल हो चुका है कढ़ाई में डाल देती हूँ। ये गैस पे रख दी मैंने कढ़ाई, कढ़ाई में तेल ऐड कर दी हूँ और ये तेल हो चुका है। अब मैं इसके अंदर सारे कांदे डाल दूँगी। ये देखिए, मैंने तेल में कांदे डाल दी हूँ। बहुत हम तेल नहीं डालेंगे, बस इतना डालेंगे कि इसके अंदर मसाले वो अच्छे से पक जाएँ, क्योंकि ज़्यादा तेल होगा वो कलौंजी में से बाहर निकलने लगेगा, बहने लगेगा जब हम उसको लपेट कर बनाएंगे। तो इसीलिए मसाला, मतलब तेल कम ही रहेगा। तो चले, कांदा जब तक ये लाल होता है मैं आपको मसाले दिखा देती हूँ। इसमें जाएंगे मसाले, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब हमने इसकी ग्रेवी नहीं बनानी है तो नमक हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, बाद में अगर कम होगा तो हम टेस्ट कर लेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच गरम मसाला, मिर्ची टेस्ट के अकॉर्डिंग, और धनिया पाउडर है वो इसमें ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमें मसाला ज़्यादा चाहिए। और इसके अंदर हम आम डालेंगे खट्टे के लिए। अगर आपके पास आम नहीं है, वैसे तो ये आम का सीज़न चल रहा है, आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। अगर आम नहीं है तो आप इसमें खटाई डाल सकते हैं। इसमें बाद में जाएगा सौंफ, मेथी, मंगरेल। सौंफ की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी खुशबू के लिए, तो इसके लिए सौंफ ज़्यादा डालेंगे, मेथी मंगरेल हम लोग इतना इतना डालेंगे। बाद में इसको हम भूंज कर इसको अलग से पीस के डालेंगे, तो इसीलिए मैंने इसको अलग से प्लेट में निकाली हूँ। इसमें जाएगा टमाटर, टमाटर के मैंने छिलके निकाल ली हूँ और इसको इस तरह से बारीक बारीक कट कर ली हूँ। अगर आप चाहें तो चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बट मुझे ध्यान नहीं था इतना तो मैंने हाथ से ही कट कर ली हूँ। छिलके निकाल के अगर आप कट करके बनाएंगे ना तो टमाटर जल्दी गलेंगे, इसीलिए मैं वो बोल रही हूँ आपसे कि आप टमाटर के छिलके निकाल के तब बनाएं तो टमाटर जल्दी गल जाएंगे। इसमें जाएगा बाद में अमचूर पाउडर और चाट मसाला, तो ये भी बाद में जाएगा, इसीलिए मैंने इसको मसालों के साथ नहीं निकाली हूँ, साइड में अलग से एक प्लेट में निकाली हूँ। और चले, हम बीच बीच में कांदा चेक भी करते रहेंगे क्योंकि इस तरह से मूव भी करते रहना है ताकि कांदे वो जले ना। तो देखें, तेल बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना तेल है कि इसके अंदर कांदे अच्छे से लाल हो जाएंगे। कांदे लाल हो चुके हैं, मैंने इसे ग्रेटर में ग्रेट करी थी, जिसकी वजह से ये पतले पतले से ग्रेट हुए और जिसकी वजह से ये जल्दी फ्राई हो जाते हैं और बहुत अच्छे से इसमें मसाले भुन जाते हैं। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे और उसके बाद सारे मसाले। इसके अंदर पहले हम थोड़ा सी पानी डालेंगे, मसालों को मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद हम 1/2 ग्लास तक का पानी इसमें डालेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से इसमें भुन जाए। तो इसमें हम 2 से 3 तेज़पत्ता डालेंगे, उसको छोटा छोटा बारीक, मतलब जितना साइज़ का आपको दिख रहा है छोटे छोटे पीसेस करके, बस उतना ही। और इसमें हमने कांदा, मतलब ग्रेटर में ग्रेट किया हुआ था, जिसकी वजह से कांदे पतले पतले थे तो वो गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और ग्रेवी जो मसाला है वो अच्छे से भुन जाएगा जल्दी से ही। अगर आपने फास्ट फ्लेम पे पकाना है तो फास्ट फ्लेम पे, स्लो फ्लेम पे पकाना है तो वो आपकी मर्जी। देखिए, फ्राई पिन में हम सौंफ, मेथी और मंगरेल को भूंज लेंगे एक एक करके। हाँ, एक एक करके भूंज लेंगे क्योंकि देखिए सौंफ जल्दी हो जाता है, मेथी थोड़ा टाइम लगता है और मंगरेल भी जल्दी हो जाती है, तो सारी चीज़ों को एक साथ नहीं डालेंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है ये मेरे घर की बहुत हल्की कढ़ाई है, मतलब फ्राई पिन है, इसमें बहुत जल्दी से हो जाता है तो इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। सारे भुंजे हुए मसालों को हमने गरम गरम ही पीस लिया और उसके बाद मसाला हो जाने के बाद हम इसके ऊपर से सारे मसाले और जो आमचूर पाउडर और चाट मसाला है वो भी हम इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे और नमक टेस्ट कर लेंगे। अगर नमक कम होगा तो हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद हम इसे साइड में रख देंगे। देखिए, मसाला हो जाएगा तब हम इस करेले में इस तरह से भर देंगे मसाले। तो देखिए, ये अम्मी ने मसाले भर के धागे से लपेट भी दिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ।
हम मसाले को डिवाइड मतलब एक हिसाब होता है मेजरमेंट, वो कर लेंगे कि इतने सारे करेले हैं तो हमने मतलब एक एक में कितना मसाला भरना है। तो अम्मी ने मतलब ज़्यादा नहीं भरना है, अगर हम ज़्यादा भरेंगे तो हम इस तरह से जब लपेटेंगे और इसको जब फ्राई करेंगे ना तेल में तो मसाले तेल में निकल जाएंगे, तो इसीलिए इतना भरेंगे कि इसमें मसाले अच्छे से लगे रहें और फ्राई करते वक्त निकले ना। जब ये भर लेंगे हम तो इस तरह से हम धागे से इसको अच्छे से लपेट देंगे ताकि ये फैले ना, और फिर इस तरह से कैची से मैं धागा कट कर दूंगी और इसी तरह से सारे बना लेंगे। फिर मैं आपको फ्राई करने के टाइम पे दिखाती हूँ कि हम इसे कैसे फ्राई करेंगे। ये बहुत टेस्टी बनते हैं तो आप लोग भी इसे ज़रूर बनाएं। और ये शुगर के पेशेंट मतलब आजकल तो शुगर की बीमारी हर किसी को है, तो जो अगर करेला नहीं खाते होंगे तो इस तरह से अगर आप कलौंजी बना के उन्हें देंगे तो वो शौक से खाएंगे। और ये मेरे घर में तो मेरे अम्मी अब्बा दोनों को बहुत पसंद है, मेरे छोटे भाई को भी पसंद है, मैं नहीं खाती हूँ। तो चलें आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, बहुत बढ़िया बनते हैं ये। ये गैस पे रख दी हूँ मैंने फ्राई पैन और तेल हो चुका है, अब इसमें डालेंगे हम करेला। तो इसमें करेला डाल के हम इसी तरह से फ्राई करते हैं। देखें इस तरह से करेले को हम फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो ये हो चुका है, अब अम्मी इसे निकाल रही है। ये बढ़िया सी करेले की कलौंजी बन चुकी है, तो आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर बनाएं और ट्राई करें, इंशाल्लाह ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।